हेलो एवरीवन, तो मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी के बाद एक टॉपिक आता है और इंडेमनिटी से इसकी काफ़ी सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो टॉपिक का नाम क्या है सर? इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो टॉपिक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पूरा टॉपिक किसमें डिफाइन है? सो दिस टॉपिक इज डिफाइंड अंडर, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का टॉपिक दो कहां से लेकर कहां तक है सर? ये पूरा का पूरा टॉपिक सेक्शन 124-125 में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और 126 से लेकर सेक्शन 147 तक, राइट, सेक्शन 126 से लेकर सेक्शन 147 तक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का टॉपिक है। 124-125 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था और अब यहां आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का टॉपिक। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसका मीनिंग क्या होता है और सर ये किस तरीके से अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, अभी मैं इसकी बात करूंगा। देखिए, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में तीन लोग हैं। ये तीन लोग कौन हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? इन तीनों की हम यहां बात करने वाले हैं। देखिए, ये है एक डेटर, ये है मिस्टर बिल गेट्स, एंड मिस्टर बिल गेट्स को लोन की जरूरत है। ही नीड्स लोन, पैसे की जरूरत है। पैसा कहां से लाएं? तो मिस्टर बिल गेट्स ने पैसे की जरूरत थी एंड ही नीड्स मनी। तो जब उन्हें पैसे की जरूरत थी तो ही अप्रोच्ड ए बैंक। इन्होंने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। सर वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर इन्होंने एक बैंक को अप्रोच किया, नॉर्मल कोई बैंक ले सकते हैं आप इसे, इन्होंने बैंक को अप्रोच किया और बैंक से इन्होंने लोन डिमांड किया। सो इन्होंने बैंक से लोन डिमांड किया, लेकिन बैंक ने कहा कि लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई लोन की गारंटी नहीं देगा। सो बैंक ने क्या डिमांड किया? बैंक ने डिमांड किया कि लोन की गारंटी रिक्वायर्ड है। लोन की गारंटी किस लिए? बैंक ने कहा कि अगर आपने कोई लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो लोन की रीपेमेंट कौन करेगा? सो लोन डिमांड किया और बैंक ने क्या कहा? लोन की गारंटी रिक्वायर्ड है, और अगर कहा अगर गारंटी नहीं लाए तो लोन नहीं मिलेगा। इन्हें लोन की जरूरत है लेकिन लोन की गारंटी कौन देगा? अब मिस्टर गेट्स ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा, ये कौन है, ये स्क्रीन पे कौन है? इन्हें आप जान रहे होंगे। ये मैं आ गया, अब मेरी एंट्री हो गई यहां। अब मिस्टर गेट्स ने मुझे अप्रोच किया और मिस्टर गेट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे लिए मेरे लोन की गारंटी दे दो। मैंने कहा ठीक है सर। अब मिस्टर गेट्स ने मुझे गारंटी देने की रिक्वेस्ट करी तो मैं भी गया, अब किसके पास, अब मैं भी बैंक के पास में गया और मैंने बैंक को जाकर गारंटी दे दी। अब जब मैंने बिल गेट्स की गारंटी बैंक को दे दी, मैंने बैंक को कहा ये लीजिए लोन की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बैंक से लोन किसने डिमांड किया? बैंक से लोन डिमांड किया किसने? बिल गेट्स ने। बैंक ने क्या कहा? लोन की गारंटी रिक्वायर्ड है। लोन की गारंटी मांगी। बिल गेट्स ने किसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी? बिल गेट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं लोन की गारंटी दे दूं। मैंने भी कहा चलो सर ठीक है कोई बात नहीं है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने लोन की गारंटी दे दी। सर तो यहां पे तीन पार्टीज आ गई। तीन पार्टीज कौन कौन सी आई? एक आया बैंक, और एक वो पर्सन जिसे लोन मिला, और तीसरा वो इंसान जिसने लोन की गारंटी दी। तो इन तीनों लोगों का नाम क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? देखिए, जिसने लोन दिया उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। जिसे लोन मिला उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। जिस इंसान को लोन मिला उस इंसान को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। पहला इंसान तो प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, और जिस इंसान ने लोन की गारंटी दी उसे हम कहते हैं श्योरिटी। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर आर थ्री पार्टीज।
कौन कौन सी पार्टी? एक होता है कौन? एक होता है क्रेडिटर जो लोन देता है. सेकंड कौन होता है? सेकंड कौन होता है जिसे लोन मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेटर. एंड थर्ड पर्सन कौन होता है जो गारंटी देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं श्योरिटी. सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इस तरीके से तीन पार्टीज होती हैं. फर्स्ट वन इज क्रेडिटर, सेकंड वन इज प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड वन इज श्योरिटी. सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं. लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे कुछ बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी होती है. इनकी लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी होती है. और जो श्योरिटी होता है, जो श्योरिटी होता है, श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा, श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? तो श्योरिटी की लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, नॉट प्राइमरी, इट इज ऑलवेज सेकेंडरी. तो यहां मैंने टर्म लिखी क्या? यहां मैंने टर्म लिखी प्राइमरी, और यहां मैंने टर्म क्या लिखी? यहां मैंने टर्म लिखी सेकेंडरी. तो सर श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी कैसे होती है? तो उसका ये मतलब है कि अगर अगर लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? तो उस केस में लोन का रीपेमेंट करेगा कौन? उस केस में लोन का रीपेमेंट करेगा सर श्योरिटी. तो लोन की रीपेमेंट में अगर डिफॉल्ट किया तो लायबिलिटी किसकी आएगी? अब लायबिलिटी श्योरिटी की आ जाएगी. इतनी बात समझ में आई आपको? तो देखिए सर इस केस में देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स. सर यहां तीन कॉन्ट्रैक्ट्स बने. यहां तीन कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे बने? देखिए यहां तीन कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बने. एक तो कॉन्ट्रैक्ट बना है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर. तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना है इन दोनों के बीच में. लोन का जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट बना है किसके बीच में? एक कॉन्ट्रैक्ट बना है बैंक और मेरे बीच में कि मैं बैंक को लोन का रीपेमेंट कर दूंगा अगर बिल गेट्स ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो. तो एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? एक कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन बिल गेट्स एंड द बैंक. दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? बैंक और मेरे बीच में. और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनेगा सर? देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स. तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हम दोनों के बीच में. तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में बनेगा. और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए बनेगा? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इस बात के लिए बनेगा कि अगर मैंने बिल गेट्स के बिहाफ पे पेमेंट कर दी तो वो मुझे क्या करेंगे? तो बिल गेट्स मुझे इंडेमनीफाई करेंगे. क्या करेंगे? ही विल इंडेमनीफाई मी. वो मुझे इंडेमनीफाई करेंगे. इंडेमनीफाई का मतलब आप पहले ही से जानते हैं. इसका मतलब क्या होता है? वो मुझे कंपनसेट करेंगे. और मैंने भी तो बैंक को प्रॉमिस किया है कि मैं बैंक को क्या करूंगा? मैं बैंक को इंडेमनीफाई करूंगा अगर बिल गेट्स ने लोन की रीपेमेंट नहीं की तो. आई बात समझ में? तो सर यहां पे देखिए कितने लोग हैं. यहां पे तीन लोग हैं, तीन पार्टीज हैं, जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपल क्रेडिटर, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. ये तीन लोग यहां इन्वॉल्व हैं. जो लोन दे रहा है उसे हम बोलेंगे क्या? जो लोन दे रहा है उसे हमने नाम दे दिया क्रेडिटर का. जिसे लोन मिल रहा है उसे नाम दे डेटर का. और जो लोन की गारंटी दे रहा है उसे हमने नाम दे दिया किसका? श्योरिटी का नाम दे दिया. तो इस तरीके से मैं आपको अब एक कंक्लूजन देना चाहूंगा. कंक्लूजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और उसके साथ अगर एक वर्ड मिला दिया जाए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और उसके साथ अगर एक टर्म मिलाऊं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है विच मे हैपन और विच मे नॉट हैपन. समथिंग विच मे और मे नॉट हैपन. एक ऐसी चीज जो सर हो भी सकती है और जो नहीं भी हो सकती. यहां ये दोनों बातें लिखी हुई है विच मे और मे नॉट हैपन.
उसे हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, दोनों को मिला के बनता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मैं हमेशा कई बार ये बोलता हूँ कि इन दोनों का हाइब्रिड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, विच में, यानी कि बिल गेट्स हो सकता है पे करे लोन का या लोन का रिपेमेंट ना करे। अगर लोन का रिपेमेंट कर दिया तो मेरी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, लेकिन अगर बिल गेट्स ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो किसकी लायबिलिटी अराइज होगी? तो उस केस में जो लायबिलिटी अराइज होती है वो लायबिलिटी श्योरिटी की अराइज होती है। वो लायबिलिटी किसकी अराइज होती है? वो लायबिलिटी श्योरिटी की अराइज होती है, राइट? सो ये हमने देखा। अब सर, कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। कहानी में एक और ट्विस्ट कैसे आया है कि सर इस स्टोरी में एंट्री हो गई है वॉरेन बफेट की भी, और वॉरेन बफेट की एंट्री क्यों हो गई? क्योंकि इस बार जो क्रेडिटर था, इस बार क्रेडिटर यानी कि जो बैंक था, बैंक ने अमाउंट ज्यादा डिसाइड किया था। क्रेडिटर कौन था? क्रेडिटर था बैंक, और बैंक ने जो अमाउंट लगाया था ना वो अमाउंट ज्यादा था। मैंने कहा ठीक है, गारंटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे पहले एंट्री किसकी हो गई थी? वॉरेन बफेट की। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं जो गारंटी दूंगा ना वो एक लिमिटेड अमाउंट की दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं गारंटी तो दूंगा, लेकिन जो मैं गारंटी दूंगा वो गारंटी एक लिमिटेड अमाउंट की होगी। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं, हमने फिर डिसाइड किया कि अगर गारंटी कितने अमाउंट के लिए है। तो उसका आंसर यह आया कि गारंटी का जो अमाउंट है क्यों ना एक से ज्यादा श्योरिटी बना लिया जाए। क्योंकि गारंटी का अमाउंट ज्यादा था तो हमने डिसाइड किया कि अब एक से ज्यादा श्योरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। तो सर अब इस केस में मैं ये बोलता हूं कि सर 500 करोड़ की लायबिलिटी चलो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और 500 करोड़ की लायबिलिटी कौन एक्सेप्ट कर रहा है? 500 करोड़ की लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं वॉरेन बफेट। और दोनों को मिलाकर टोटल कितना आ गया? जो टोटल आया दैट इज 1000 करोड़। तो सर ये जो 1000 करोड़ के लिए जो गारंटी दी गई है, 1000 करोड़ के लिए जो गारंटी दी गई है, ये गारंटी कौन दे रहा है? ये गारंटी सर अब दो लोग दे रहे हैं। पहले मैं सिर्फ अकेला था, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में सर दो लोग आ गए हैं। तो जब दो लोग गारंटी देते हैं तो उनका नाम चेंज हो के रख दिया जाता है क्या? उनका नाम फिर हो जाता है कोश्योरिटी, उन्हें हम कोश्योरिटी कहते हैं। तो सर अगर श्योरिटी एक से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं कोश्योरिटी। कोश्योरिटी मींस अगर श्योरिटी एक से ज्यादा है। तो दोनों ने 500 करोड़ के लिए गारंटी ली है, दोनों पार्टीज ने यहाँ 500 करोड़ की गारंटी दी है, तो ये क्या आ गए? कोश्योरिटी आ गए। यानी कि ये जो बिल गेट्स का लोन है, इस लोन के लिए अगर एक से ज्यादा श्योरिटी आ जाएंगे तो सर अब ये क्या बन जाएगा? अब इस केस में दो श्योरिटी आ चुके हैं। अब जरा ये देख लिया जाए कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या फर्क होता है, उसके बाद मैं आगे के पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो सर एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और एक पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट? एक पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, और सेकेंड पॉइंट आता है किसका? सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इन दोनों टर्म्स का सर क्या डिफरेंस होता है? अब जरा दोनों टर्म्स के डिफरेंस की भी बात कर ली जाए। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देर आर 3 parties, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 parties होती हैं। कौन कौन? क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देर आर ओनली 2 parties, यहां सिर्फ 2 parties होती हैं और वहां 3 parties होती हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देर इज ओनली 1 contract, वहां सर सिर्फ 1 contract होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देर आर 3 contracts, 1 contract नहीं होता, 3 contracts होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी, 1 contract तो ये भी होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है सर क्रेडिटर एंड डेटर के बीच में, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी एंड द क्रेडिटर।
तो सर ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसमें, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देर आर ओनली टू कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आई एम सॉरी देर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, टू पार्टीज, दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट, वहां तीन पार्टीज तीन कॉन्ट्रैक्ट. सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी होती है ना, इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी होती है उसकी लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी होती है. इंडेमनीफायर की लायबिलिटी इज ऑलवेज प्राइमरी. लेकिन सर जब मैं बात करता हूं किसकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, यहां जो श्योरिटी होता है उस श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होती है. श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज सेकेंडरी, वो हमेशा सेकेंडरी होती है. तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी क्या होगी, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी यहां हो गई सर प्राइमरी. प्राइमरी ये देखिए प्राइमरी, लेकिन श्योरिटी की लायबिलिटी कब आती है, सेकेंडरी. जब बिल गेट्स लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तब लोन का रीपेमेंट कौन करेगा, तब लोन का रीपेमेंट मैं करूंगा. लेकिन अगर उन्होंने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो मुझे लोन के रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो सर ये एक हमने बेसिक डिफरेंस देखा, तीन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. ये कुछ मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको बताए. तो श्योरिटी की लायबिलिटी वहां सेकेंडरी होती है और इंडेमनीफायर की लायबिलिटी यहां क्या होती है, प्राइमरी होती है. अब सर जरा ये बात कर लिया जाए कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये गारंटी जो दी जाती है ये गारंटी कितने तरह की होती है, यानी कि अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ गारंटी. सो अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गारंटी की. सर गारंटी कितने तरह की होती है, तो गारंटी को मैं क्लासिफाई करूंगा, यहां मैं अलग अलग तरीके से इसे क्लासिफिकेशन करूंगा. सो मैं बोलूंगा इसे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, और दूसरा मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन और दूसरा मैं एग्जाम्पल लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ये देखिए तो इस तरीके से गारंटी क्लासिफिकेशन करते हैं. देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन गारंटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक होती है स्पेसिफिक गारंटी. सर स्पेसिफिक गारंटी वो गारंटी होती है जो किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए ही होती है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी. सर मेरा फ्रेंड आता है और मेरा फ्रेंड आके आपके शोरूम से कोई सामान खरीद रहा है और वो भी क्रेडिट पे परचेज कर रहा है और मैं आपको ये बोलता हूं अरे उसे गुड्स दे दो, डोंट वरी, पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए, अभी आप दे दो मैं देख लूंगा, अगर रीपेमेंट नहीं किया मेरी जिम्मेदारी है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी. मेरा फ्रेंड आपसे गुड्स लेके चला जाता है और बाद में आपको टाइमली पेमेंट कर देता है, बार बार आपके पास में आता है और बार बार आपसे गुड्स परचेज करता है और बार बार मैं उसके लिए आपको बोलता हूं कि सर उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं. तो एक दिन मैंने डिसाइड किया और मैंने आपको यह बोला कि वो जितनी बार भी गुड्स परचेज करने आए, सो मैंने आपसे कहा कि वो आपसे जितनी बार भी गुड्स परचेज करने आएगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं. सर तो वो गारंटी विच कीप्स ऑन गोइंग, सर वो गारंटी चलती रहती है, उस गारंटी को हम क्या बोलते हैं, उस गारंटी को हम बोलते हैं कौन सी गारंटी, उस गारंटी को नाम दे दिया सर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. उस गारंटी को सर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, सर अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो कौन सी गारंटी जाएगी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. लेकिन अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है तो गारंटी कौन सी आएगी, स्पेसिफिक गारंटी. अब सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी दो तरह की गारंटी आती है, ये जरा देखिएगा. एक आती है रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, राइट, एक आती है रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी और दूसरी आती है प्रोस्पेक्टिव गारंटी. रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी, ये दो गारंटीज मैंने आपसे यहां पे और डिस्कस कर रहा हूं कि एक रिट्रोस्पेक्टिव आ गई और दूसरी कौन सी आ गई, दूसरी आ गई सर प्रोस्पेक्टिव गारंटी.
अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब वो जरा मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, इन दोनों की यहां बात कर ली जाए। सर इस बार क्रेडिटर ने डेटर को लोन दे दिया है, क्रेडिटर ने डेटर को लोन ग्रांट कर दिया है, और लोन देने के बाद जब बारी आई रीपेमेंट की और रीपेमेंट के टाइम पे एंट्री हो रही है किसकी, रीपेमेंट के टाइम पे अब एंट्री हो रही है श्योरिटी की। तो रीपेमेंट के टाइम पे एंट्री जब श्योरिटी की हो गई, और श्योरिटी ने क्या किया, और श्योरिटी ने वो ट्रांजेक्शन जो हो चुका है, वो लोन जो दिया जा चुका है, उसके रीपेमेंट की जब बारी आई, तब श्योरिटी क्या कह रहा है, तब श्योरिटी कह रहा है क्रेडिटर को कि मैं उस लोन के रीपेमेंट की गारंटी दे रहा हूं। वो कह रहा है ऑल्दो आप लोन दे चुके हो, बारी रीपेमेंट की आई है, लेकिन आप मेरे फ्रेंड को कुछ और टाइम ग्रांट कर दो, अगर मेरा फ्रेंड आपका लोन रीपे ना कर पाए तो लोन रीपे मैं कर दूंगा। क्रेडिटर बोलेगा कि लोन की रीपेमेंट की डेट आ गई है, टाइम आ चुका है, लेकिन श्योरिटी कह रहा है इसे कुछ और टाइम दे दीजिए, अगर ये लोन की रीपेमेंट नहीं करेगा तो इस लोन की रीपेमेंट मैं करने का प्रॉमिस कर रहा हूं। सर तो वो जो लोन ऑलरेडी मिल चुका है, मान लीजिए ये लोन मिला था इन 2012 और रीपेमेंट कब होना था, रीपेमेंट होना इन 2017, तो 2017 में अगर गारंटी दे रहा है किसके लिए, एक पुराने लोन के लिए, तो उसे हम कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, उसे रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी कहा जाता है। लेकिन सर आगे देखिए यहां देखिए, अगर लोन वो फ्यूचर में ग्रांट करेगा, अगर वो लोन ग्रांट कर रहा है इन दिसंबर 2017 में लोन ग्रांट कर रहा है किसको, सर अब डेटर को लोन मिल रहा है, लेकिन वो लोन अभी नहीं मिल रहा, वो लोन बाद में मिलेगा, लेकिन जो लोन बाद में मिलने वाला है, जो लोन मिला नहीं है, उसके लिए जो गारंटी दी जाती है, उसे कहते हैं सर, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। उसे क्या नाम दे दिया गया, उसे नाम दे दिया गया प्रोस्पेक्टिव गारंटी का, यानी कि वो लोन जो अभी नहीं मिला है, जो फ्यूचर में लोन मिलेगा, उस लोन की गारंटी जब दे दी जाए, उस गारंटी को हम प्रोस्पेक्टिव गारंटी का नाम देते हैं। तो हमें देखना यह है कि जिस मूवमेंट पे गारंटी दी थी ना, उस मूवमेंट पे वो लोन मिल चुका है या वो लोन नहीं मिला है। अगर लोन उस मोमेंट पे मिल चुका है तो गारंटी कौन सी बनेगी, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, और अगर लोन बाद में मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव गारंटी, राइट। तो ये सारी बातें तो हमने कर ली, और मैंने आपको ये भी बताया कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एक कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। अब सर ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली, अब इन सारी बातों के बाद अब मैं यह आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, और इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दीजिएगा। स्पेसिफिक गारंटी थी, अगर मैं ये बोलता हूं स्पेसिफिक गारंटी थी तो गारंटी लिमिटेड रहती है ना, स्पेसिफिक गारंटी थी तो गारंटी कहां तक रहती है, गारंटी सिर्फ उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन तक ही लिमिटेड होती है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन तक ही लिमिटेड होती है। मेरा एक फ्रेंड मुंबई से आया, मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, मेरा एक दोस्त मुंबई से आया, और मुंबई से आकर वो दिल्ली से कोई सामान परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, वो जिससे परचेज कर रहा है मैं उसे जानता हूं, और मैंने कहा सामान दे दो, गो डोंट वरी, मेरी गारंटी है, उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए मेरी गारंटी है। उसके बाद मेरा फ्रेंड एक बार फिर आता है, और वही शॉपकीपर मेरे फ्रेंड को एक बार फिर सामान सेल कर देता है, और सोचता है कि संयोग सर ने तो इसकी गारंटी दे रखी है, लेकिन इस बार मेरी गारंटी नहीं थी, तो क्या मैं लायबल रहूंगा, नहीं, इस केस में मैं लायबल नहीं रहूंगा। इस केस में लायबल कौन रहेगा, इस केस में लायबल रहेगा वो पर्सन लायबल रहेगा जिस पर्सन ने वो सामान क्रेडिट पे सेल किए हैं।
क्योंकि मैंने जो गारंटी दी थी ना वो सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए थी। स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन बोल दूं या मैं क्या बोल दूं, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए मैंने एक गारंटी दी थी, तो मेरी गारंटी वहीं तक वैलिड थी, उसके आगे मेरी कोई गारंटी नहीं आएगी, राइट। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस गारंटी है तो एक बात और याद रख लेना, अगर कॉन्टिन्यूस गारंटी दी जाती है तो अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो श्योरिटी की डेथ के साथ ही साथ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या कॉन्टिन्यूस गारंटी भी खत्म हो जाती है। अगर मेरा मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया और मैंने आपको एक नोटिस दे दिया कि आज से मेरी गारंटी खत्म, मैं अपनी गारंटी रिवोक कर रहा हूं, तो याद रखिएगा उस केस में जिस दिन मैंने आपको नोटिस दिया है, क्योंकि आप अगर क्रेडिटर हैं, आप अगर वो शॉपकीपर हैं, तो जिस दिन मैं नोटिस दिया है ना, इसके बाद से फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। रिट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी अभी भी रहेगी क्योंकि मैंने आपको नोटिस आज दिया है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी ओवर नहीं होगी। प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी ओवर क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी तो इनफैक्ट ओवर होगी। रिट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ तक जितनी भी लायबिलिटी होती है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बियर करनी पड़ती है, और उसके डेथ के बाद उसकी फ्यूचर की सारी लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाती है, राइट। तो ये मैंने आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, इसके आगे के कुछ और प्रोविजन आपसे डिस्कस करूंगा, बट वो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।